अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोस्त हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज फुल तैयार हुई है तो कोई ख़ास बात है, बट खास ही समझो। अभी मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं घर पर, तो अभी हम करते हैं काम, बनाते हैं चाय वाय एंड चलते हैं नीचे। तो आप मुझे बोलना ये फ़ैन कैसा जच रहा है मुझ पर। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे फ़ैन की कलेक्शन है, बट मैं एक साथ नहीं दिखाती हूँ। मतलब आप लोग मेरे हर वीडियो में एक एक देखते हो, तो ऐसे अब मैंने नया भी टेलर के पास डाला, वो काफ़ी अच्छा है। मतलब उसका वर्क शर्क सब कुछ मैंने अच्छा करवाया है, तिल्ला वर्क, तो वो आप आगे देखना। तो आज मैंने ये वाला फ़ैन वेयर किया है, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे और बनाते हैं चाय शाय, करते हैं तैयारी, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ रहेगा। तो यहाँ पे शाजू बना रही थी चाय और मैंने इसको बोला कि जब तक आप चाय बनाती हो तब तक मैं बाकी काम कर लेती हूँ। आई मीन चीनी वीनी डालती हूँ इसमें शुगर पॉट में। तो यहाँ पे मैं बस वही काम कर रही थी और साथ में आपको ये वाला कप सेट भी दिखा रही थी। एक्चुअली वो लोगों ने, आप लोगों ने पहले ही एक बार देखा है, मैंने शायद दिखाया है बट उस दिन शायद अच्छे से नहीं देखा होगा या किसी ने नहीं देखा होगा, तो मैंने सोचा आज दिखाती हूँ। इससे क्या होता है ना, दिखाने से बहुत सारी गर्ल्स की हेल्प हो जाती है, क्योंकि गर्ल्स जो होती है ना इन चीज़ों की बहुत शौकीन होती है। आप मुझे कमेंट्स में बोलना मैं सही बोल रही हूँ या गलत। इन चीज़ों की ये गर्ल्स हमेशा बहुत शौकीन होती हैं घर की चीज़ों की, कप सेट या कुछ, और इसलिए मैं दिखाती हूँ। मे बी किसी को लाना होगा तो ईजी रहता है। तो यहाँ पे मैंने चाय वाय सब कुछ रेडी किया और एंड पे रह गए थे बनाना चिप्स, जो कि पहले मुझे याद ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने बोला कि ये भी थोड़े से डाल देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छे है टेस्ट में और ख़त्म भी हो गए। तो उसके बाद हमने सारे खुद को खाए और फहीम भी आया था, उसको भी आधे दे दिए, एक ही कलर के दिए ना। ठीक है, ये दाल जो है ना मज़े के हैं। उसके बाद मेरे फेवरेट अमरूद आ गए थे और फिर लास्ट पे मैंने ली इतना गंदा वंदा खा के अपनी ग्रीन टी। क्या होता है ना, हम गंदा वंदा खाते हैं ना, किस किस के साथ होता है, फिर एंड फिर ग्रीन टी लेते। मेरी भी आदत है कुछ भी खाओ फिर ग्रीन टी लेती हुई। ऐसे नहीं, ऐसे कहो, ऐसे करो। अस्सलाम वालेकुम, बोलो कैसे हो आप सब? ठीक ठीक हो? बोलो मेरा नाम है बिल्लू। आपका नाम है ना बिल्लू? बोलो मेरा नाम है बिल्लू। मेरा नाम है जिल्लू। बिल्लू बच्चा, आपने इतने छोटे वाले ऑरेंज आपने देखे? ये वाले जो होते हैं इतने छोटे, ये इतने मज़े के होते हैं, इतने मीठे, इतने अच्छे होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद। पापा ने लाया है होटल से कुछ खाने के लिए सालन है शायद, तो उसको गर्म करना है पहले। इसमें शायद रिश्ते हैं, बहुत गर्म है, गर्म। मेरे रिश्ते हैं फ्रेंड्स, फहीम आज हमारे घर काफ़ी टाइम बाद आया तो उसी के लिए लाए, उसकी फेवरेट है। रख देते हैं गर्म होने के लिए यहाँ पे। कुकर में है दाल, इसको भी करिए गर्म। अभी है लंच टाइम और हम कहते हैं चलो बिल्लू हेल्प करोगी मेरी, हम अंदर ले जाएंगे बर्तन, ठीक है? आ जा, आओगे ना पापा? ये लो प्लेट, एक दो तीन। फहीम ले जाओ इनको अंदर। अभी यहाँ पे फाइनली बिल्लू खा रहा था पापा और मुझे काफी अच्छा लगा, बहुत टाइम के बाद आया। क्यों बोल रही हूँ, आप बर्तन ला किचन से, और आपको पता ही मुझे क्या बोल रहा है कि मैं थोड़ी औरत हूँ जो तुम्हारे बर्तन लाऊंगा किचन से। आन बे, मतलब इतना चालाक है ना ये। घर पे कोई नहीं था तो जिसकी वजह से मुझे बर्तन धोने पड़े, वो भी ठंडे पानी से, क्योंकि गीजर का जो नल है ना उसमें पानी ही नहीं निकलता, इस वाले में बहुत कम निकलता है। तो अभी आज मैं और मम्मा ही घर पे थी तो मैंने मम्मा को बोला आप बैठो आराम से, मैं वॉश करती हूँ बर्तन, वरना हमेशा मेरी बहन ही करती है, आज मुझे करने पड़े। लेकिन बहुत ठंड हुई लगी मुझे, आ तुम्हें देखिए। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ग्रेप्स गर्म पानी में। आज जो कोई भी फ्रूट आप खाए ना तो प्लीज़ उसको पहले गर्म पानी में डाला करें,
ताकि इसमें जो ये ठंड होती है वो निकल जाती है और फिर हम इजीली खा सकते हैं। घर में कोई भी बच्चा बूढ़ा कोई भी हो वो खा सकता है। तो अभी हम लोगों ने इसको डाला है गर्म पानी में एंड थोड़े टाइम की नहीं इतनी काफ़ी थोड़े टाइम तक रखती हूँ मैं, उसके बाद खाते हैं, अच्छे से वॉश भी करेंगे, खाते हैं फिर इसमें रखेंगे। यहाँ पे शाजू कर रही हैं अपने कपड़े वॉश, ये देखिए। ओ मैडम करिए मैं जा रही हूँ। वो ना आपके साइड से बर्फ़ पड़ी या बारिश की, कहाँ कहाँ से बर्फ़ पड़ी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ से तो अभी बर्फ़ नहीं पड़ी बट बारिश पड़ रही है, ये देखिए। को रखते हैं यहाँ पे और कर्टन्स जो हैं इनको रखते हैं यहाँ पे। ये जो सारे कर्टन्स हैं इनको करेंगे साइड पे। बैग किसी का है इसको रखते हैं यहाँ पे। ओह चलो जी अभी करते हैं काम स्टार्ट अपना। मैं क्या सोच रही थी ना, इस ज़माने में जो ये आजकल का ज़माना है ना, इतनी बीमारियाँ क्यों आ गई है। पहले ज़माने में हम झाड़ू लगाया करते थे, आज वैक्यूम है। तो पहले ज़माने में हम हाथों से कपड़े वॉश करते हैं, आज मशीन से करते हैं, गैस पे पकाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मतलब मशीनों से ही करते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है। अगर हम हाथों से झाड़ू लगाते हैं एक्सरसाइज भी होती है और इंसान फिट भी रहता है, कपड़े वॉश करेंगे हाथ से। अब इस ज़माने में हम सब कुछ मशीनों से करते हैं जिसकी वजह से हमारी फिर हेल्थ ज़्यादा ख़राब होती है। चलो जी कोई बात नहीं, फ्रेंड्स। तो आज सब फ्राइडे और नमाज भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम बैठे और यहाँ पे एक सेकेंड, जितनी भी टीम है ना गर्ल्स पार्टी, इन सब ने नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर कुरान शरीफ भी लोगों ने पढ़ा। तो अभी हम लोग बैठे हैं, गपशप होती है ना लड़कियों के बीच में, वही जहाँ पे चल रहा है। अभी हम बातें कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ रहेगा आगे। कुलसमा जान ने बोला था मेरा नाम लेना, कुलसमा मीर ने बोला था मेरा नाम लेना और असमत जान ने बोला था। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बोला आपको ये वाला फ़ैरन कैसा लगा। तो ये फ़ैरन जो है ना मेरे फादर इल्ला और परसों आए थे यहाँ, तो उन लोगों ने मेरे लिए लाया है श्रीनगर से। तो उम्मीद है आप सबको भी अच्छा लगा होगा। और आप सब ने ये भी बोला ना कमेंट्स में कि दुपट्टा आप बार बार ठीक करते हो, वो थोड़ा इरिटेटिंग होता है। तो आज मैंने सीधे बंद रखा, फुल कवर रखा। मैंने कहा कि जैसा भी रहेगा तो, लेकिन बार बार बंद रहने चाहिए, उससे फ़र्क पड़ता है।